नेक्स्ट देखो, ये अगला टॉपिक है पूरा, ऑडिट नोटबुक एंड ऑडिट, मैं सारी चीजें जैसे हमने वहां पढ़ी थी ना, ऑडिट वर्किंग पेपर, वर्किंग पेपर ही है, ठीक है फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा ऑडिट नोटबुक एंड ऑडिट वर्किंग पेपर। देखो ऑडिट नोटबुक, ऑडिट नोटबुक वो होती है दोस्त, जैसे नहीं ये दोनों सेपरेट हैं, हमने जो डॉक्यूमेंट मंगाए क्लाइंट से कि हमने ये डॉक्यूमेंट मंगाया, ये डॉक्यूमेंट मंगाया, ये डॉक्यूमेंट मंगाया हमने, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है, ये हमने खुद बना लिया, तो जो हमने डॉक्यूमेंट मंगाए हैं, जो इकट्ठा किए हैं कंपनी से, चाहे वो कंपनी से डायरेक्ट मांगे हों चाहे खुद कहीं से इकट्ठे किए हों, अभी हम ध्यान से सुनना मेरी लाइन, जो हमने डॉक्यूमेंट मंगाए हमारे कंपनी से मंगाए या हमने खुद इकट्ठे किए, सर खुद कैसे इकट्ठे कर सकते हो, हमने याद है पढ़ा था इंक्वायरी एंड कॉन्फर्मेशन, हमने लेटर भेजा किसको, भेज दिया डेटर को कि डेटर ये बता तूने इतना माल खरीदा था ना इस कंपनी से, तो कहेगा हाँ सर ये लो इतना माल खरीदा था, तो वो जो लेटर है वो भी तो हमने कहीं से इकट्ठा किया है, हमने इसके ऊपर बहुत सारे कंपनी के ऊपर केस चल रहे थे, तो मैंने वो केस की ना फाइल निकलवा ली किसी वकील को पैसे दे गए, तो मैंने जो डॉक्यूमेंट कंपनी से लिए, जो डॉक्यूमेंट मैंने खुद इकट्ठे किए, उसकी मैं लिस्ट वगैरह बना के रखता हूँ कि ये चीज़ें मेरे पास हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ऑडिट नोटबुक में लिखी जाती है, ठीक है मोटा मोटा। अभी हम अंदर ढंग से समझेंगे चीज़ों को, अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि दिमाग में चीज़ें समझ में आ जाए कि होता क्या है, कई बार क्या होता है पढ़ तो लेते हैं बस समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए एक बार हम बेसिकली चीज़ों को जान रहे हैं कि होता ही क्या है, एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। जो चीज़ें हमने इकट्ठी की ऑडिट करने के लिए, ऑडिट करने के लिए, ऑडिट करके नहीं, ऑडिट करने के लिए जो चीज़ें हमने इकट्ठी की, जो डॉक्यूमेंट्स फाइल्स इंफॉर्मेशंस, वो सब हम किस में लिखते हैं ऑडिट नोटबुक में लिख के रखते हैं, ठीक है। अब सर ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होते हैं, वर्किंग पेपर वो होते हैं दोस्त कि हमने जो चीज़ें मांगी थी उस पर हमने काम किया, हमने सेल्स का रजिस्टर मांगा, हमने काम किया कि ये गलत है ये गलत है, और उसको हमने फोटोकॉपी करके रख लिया अपने पास, या एक्सेल होता क्या है, जनरली एक्सेल में ही काम होता है कि एक्सेल से हम चीज़ें निकाल लेते हैं, एक्सेल से टैली से उसे हम चेक करते हैं, और ऑडिटर चेक करता है, जो चेक करने के बाद वो खुद जहाँ जहाँ निशान लगा लेता है, गड़बड़ियाँ लिख लेता है, अपने कुछ कमेंट लिख लेता है, तो ये जो उसने खुद करा है ना, खुद चेक करके जो खुद अपनी चीज़ें लिखी हैं, अपनी चीज़ें इकट्ठी की हैं, उसने बिल नंबर लिख लिया कि बिल नंबर 430 में ना गड़बड़ी है, तो बिल नंबर रख लिया उसने उसमें से निकाल के, हजारों बिल सेल हुए हैं, बिल सेल के बिल बने हैं, उसने एक बिल रख लिया अपने पास, तो वो क्या है, जो उसने खुद मेहनत करके चीज़ें निकाली हैं, ढूंढी हैं, फाइंड आउट की हैं, उन सब का समावेश जो मिला के उसके पास फाइल बनेगी, वो बोलते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर, ठीक है। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है, जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आए हमने लिए, चाहे जैसे मर्जी मांगे निकलवाए कहीं से, दैट इज कॉल्ड ऑडिट नोटबुक, उस पर जो हमने काम करके जो चीज़ें निकाली वो सारे डॉक्यूमेंट होंगे ऑडिट वर्किंग पेपर। अब ऑडिट नोटबुक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑडिट वर्किंग पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में मैं बता रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। तो ऑडिट नोट जब ऑडिट के वर्किंग पेपर पढ़ेंगे उस पर हम निशान लगा लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कॉन्सेप्ट इतना ही है दोस्त, जो मैंने बोला इतना भी आप लिख दोगे ना उस पर नंबर आपको मिल जाएंगे, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि हमें लिखना क्या क्या है। ऑडिट नोटबुक रजिस्टर, मेंटेन ऑडिट स्टाफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जर्व, एरर, डाउटफुल क्वेरी, एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफाई। आप सर बोलोगे आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट बोला था, देखो दोस्त ये सारी चीज़ें कब आती हैं, जब आप वो डॉक्यूमेंट देखते हो ना एक बार को, कि डेट एरर कहाँ आ सकते हैं, डाउट डाउट क्वेरीज कहाँ हैं, एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, क्लैरिफिकेशन दी क्लाइंट ने, ठीक है, जो चीज़ें हम किसी और को बता सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान में रखना ऑडिट नोटबुक में, अब देखो ये जो चीज़ें लिखी हैं
हम मैनेजमेंट से पूछते हैं ना कि आप ये चीज़ें बताओ कि इस साल ये चीज़ें, इस साल आपने चप्पल वाला डिपार्टमेंट खोला है, आप बताओ, हम उसी से तो पूछ रहे हैं चीज़, तो वो हाँ या ना तो बताएगा। हमने उसी ही से पूछा तो यानी तीसरे, उसको पता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, तो अगर चीज़ें उसको भी पता है, वो वाले डॉक्यूमेंट हमारे सब नोटबुक में आ जाएंगे, ठीक है। उस पर हमने कुछ काम किया, अपने अपने पास लिख लिया कुछ सबूत, वो सारे सबूत आ जाएंगे वर्किंग पेपर में, ठीक है। अब जो भी हम डेली काम करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, पूछेंगे, ताछेंगे, उससे डॉक्यूमेंट मंगाएंगे, वो जो लिस्ट होगी जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था, प्रोसेस ऑडिट के प्रोसेस में, ऑडिट के प्रोसेस में, ऑडिट प्लानिंग के प्रोसेस में नहीं, जो हमने आज पढ़ा पहले पहले दूसरे दिन वाला, ऑडिट प्रोसेस में हमने क्या डिस्कस किया था कि ऐसा ही नहीं कि हवा में ऑडिट कर देते हैं, हम सीधा जाके घुस गए, हाँ भाई सर अपने डॉक्यूमेंट निकालो ऑडिट करना, नहीं, हम उससे चीज़ें मंगवाते हैं, फर्स्ट स्टेप हम वो भी लिखते हैं, मंगवाने के बाद उससे क्वेरी पूछते हैं कि सर इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ये वाली दिक्कत आ रही है, जरा इसका बताना आंसर, वो भी लिखेंगे कि हमने है ना इसको ये वाली क्वेरी पूछी थी, इसने ये वाली क्वेरी का ये वाला रिप्लाई किया था। हम अगर उसे 10 बार पूछ रहे हैं सेम चीज़ पे भी 10 बार पूछते हैं और वो 10 बार जवाब देता है, तो हम वो सब कुछ लिखते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। सवाल जवाब क्या क्या हुए, क्या क्या नहीं, वो लिखते हैं, उसके ऊपर हमें क्या डिसाइड करना है, क्या सबूत इकट्ठे करने हैं, वो ऑडिट वर्किंग पेपर का पार्ट है, ठीक है। देखो, इट ऑल्सो कंटेन डेफिनेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डे टू डे वर्क परफॉर्म, जो भी दिन डे बाय डे वो कर रहा है, चीज़ें चेक कर रहा है, वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। ऑडिट नोटबुक इज यूजली बाउंड नोटबुक इन विच लार्ज वराइटी ऑफ मैटर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट रिकॉर्डेड, जो भी हमने ऑब्जर्व किए हैं चीज़ें, जो भी ऑब्जर्व की हैं, जो भी ध्यान दिया है चीज़ों पे हमने, वो सब यहाँ पे आ जाएगा, सब कुछ मेंटेन जो भी हम कर रहे हैं सब यहाँ पे आ जाएगा। अभी भी कुछ बच्चों का डाउट आ रहा होगा दोनों में, अब वो डाउट चला जाएगा इसमें और वर्किंग पेपर में, कैसे चला जाएगा, जब हम इसका कंटेंट पढ़ेंगे कि उसमें आता क्या क्या है, इसका क्वेश्चन आएगा तो आपको कंटेंट भी लिखना पड़ेगा। देखो बहुत सिंपल है, अब जो मैंने पहले पढ़ाया था ना वो चीज़ें देखो यहाँ दिखेंगे, क्या आपने, आप क्या मांगते हो वही नोटबुक में, क्या मांगते हो, डॉक्यूमेंट मांगते हो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगते हो, सेल्स का रजिस्टर मांगते हो, देखो तो वही है, पहले क्या लिस्ट ऑफ अकाउंट की बुक जो भी मेंटेन की है, नेम्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस, जो जो बंदे इस पे काम करते हैं, जो मेन बंदे हैं, जो मेन ऑफिसर है कंपनी के, उनके नाम बताओ जी, कल को कुछ बात हुई तुम्हें पता होना चाहिए ना कि कौन सा बंदा क्या काम करता है। देखो नेम, उनके नाम और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, कि कौन क्या काम करता है, ठीक है। तीसरा देखो बिजनेस का क्या नेचर है, बिजनेस किस क्या काम करती है, भैया जूते बनाने का काम करती है, साथ में चप्पल ही बनाने बना सकती है अगले साल, और वो हमें कैसे पता चलेगा, हमने आ, आ, पीछे पढ़ा था ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जब हम प्लानिंग बना रहे थे प्लानिंग के टाइम पे यही चीज़ पढ़ी थी ना हमने। देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से आप ये जानकारी निकाल सकते हो कि कंपनी एग्जैक्टली क्या क्या काम करती है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। कॉपी एक्स्ट्रा मिनट्स, मिनट्स क्या होता है सर, एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनट्स, जो भी बोर्ड की मीटिंग्स होती हैं, यानी जो मैनेजर वाला होता है ना, मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनको मीटिंग करना होता है, ये कुछ कुछ टाइम के बाद 2-3 महीने 4 महीने के बाद एक मीटिंग करते हैं, कंपलसरी होता है इनको मीटिंग करना, कंपलसरी ना भी हुआ तो भी तो धंधा चला ही रहे हैं ना भाई, तो मीटिंग तो करना ज़रूरी है, तो जो मीटिंग करते हैं ना उस मीटिंग के मिनट्स बनते हैं, यानी मीटिंग में जो भी चीज़ डिस्कस हुई है, जो भी कंक्लूजन्स निकले हैं कि भैया ये चीज़ करनी है, इस हफ्ते ये काम नहीं हुआ, ये काम करने के लिए मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी, तो ये सब के ना एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं मिनट्स, ठीक है। मिनट्स, एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनट, यानी मिनट में जो मेन मेन चीज़ें ना उसको एक्सट्रैक्ट करके हमारे को दे दो, ठीक है, हम उसे अपनी नोटबुक में रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिट प्रोग्राम की कॉपी, ये भी नोटबुक में आ गया। अकाउंटिंग मेथड, भैया कौन सा अकाउंटिंग मेथड यूज़ कर रही है, डबल एंट्री, सिंगल एंट्री, कैश अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस किस पे कर रहे हो, वो सारी जानकारी इसमें आ जाएंगी।
और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो वो आ जाएगी। ये हो गया ऑडिट नोटबुक। भाई फायदा क्या ऑडिट नोटबुक का? सिंपल सी बात है, ऑडिट वर्क परफॉर्म करने में काम आएंगे। जब ऑडिट करेंगे, ऑडिट करने में काम आएंगी ना चीज़ें, हमारे पास सारे जो मोटा मोटा डेटा पड़ा है वो करने में तो काम आएगा। ऑडिट करने से पहले के जो सारी चीज़ें ऑडिट नोटबुक में आ गई, ऑडिट करने के बाद में जो डॉक्यूमेंट बनेंगे वो ऑडिट वर्किंग पेपर में आ गए। इतना ध्यान रखना, ये मैं दोबारा बोलूँगा अभी आपको याद रखने के लिए। दोबारा बता दूँ, ऑडिट नोटबुक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक जितना ऑडिट वर्किंग पेपर है, इसीलिए इसको और फास्ट कर रहा हूँ मैं। ऑडिट वर्किंग पेपर को हम और थोड़ा आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है? चलो, सेकंड पॉइंट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जब लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें हम ये चीज़ें भी तो लिख सकते हैं, वो भी तो उस टाइम पे तो काम आएंगे कि भैया हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट थे, मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट थे, मिनट्स थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने निकाली थी उनसे, तो लास्ट की ऑडिट रिपोर्ट बनाने में भी काम में आएगी। सर्व एज ए डॉक्यूमेंट ऑफ एविडेंस। अब उस दौरान पे जो हमने पूछताछ की है, ये देखो, ये जो हमने ये डाउटफुल क्वेरी, ये सब जो हमने एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन जो सब लिया था, इससे हमें कहीं ना कहीं सबूत तो मिल गए, ठीक है? तो इसको हम एज ए एविडेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फायदा है इसका। इवेल्युएटिंग वर्क ऑफ ऑडिट स्टाफ। अब हमारा जो स्टाफ है, यानी जो ऑडिटर की जो टीम है, वो जो हमने 10 बंदे भेजे थे ऑडिट करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी की, उनको कितना आता है, उन्होंने कितने अच्छे से चेक किया, सब कुछ चेक किया कि नहीं किया, ढंग से चेक किया कि नहीं किया, उस वाले ऑडिट नोटबुक्स में हम ये सब चीज़ें ध्यान रख के, कि नोटबुक में तो देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो मेरे ऑडिट टीम ने मांगा ही नहीं, नोटबुक देख के पता चल जाएगा कि इन्होंने इन्होंने तो सेल्स रजिस्टर में इन्होंने वो चप्पलों का सेल्स तो लिया ही नहीं, ठीक है? तो इससे हम उनकी एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं अपने टीम की, ऑडिटर की, ठीक है? नो डिस्क्लोजर ऑफ ऑडिट वर्क। इससे क्या होता है ना, ऑडिटर से ऑडिट नोटबुक में हम कोई भी डेटा किसी को देते नहीं है, ठीक है? अब डिसलोकेशन है ये। मान लो जैसे हमने पढ़ा था पिछले से पिछले टॉपिक में, क्या था वो, मैं उसका एग्जांपल देता हूँ तब जल्दी समझ में आएगा। ऑडिट प्रोग्राम, तो ये एक तरह से क्या होगा ना, देखो एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि मैं आपको, देखो जैसे प्रोग्राम में हमने पढ़ा था सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास था, उसके हिसाब से काम चल रहा था। अब इसमें क्या कहा है कि नोटबुक में जो भी चीजें हमने मेंशन की हैं, जो भी डेटा हमारे पास है, मान लो अगर वो वर्क उस टीम का जिस बंदे को दे रखा है, वो बंदा कहीं चला गया, तो वो बंदा छोड़ के चला गया, या वो बीमार हो गया 10 दिन के लिए आया नहीं, उसकी जगह दूसरा बंदा अपॉइंट हो जाएगा, तो वो नोटबुक देख कर समझ जाएगा कि ये डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है, इस पे काम करना है, ठीक है? ये चीज में बस ये पॉइंट है, ये पढ़ के आपको कम समझ में आएगा, इसीलिए मेरे को ये एक्सप्लेन इस तरीके से करना पड़ा। अदरवाइज हम इसको भी हेडिंग पढ़ के या फिर पूरा पढ़ के हम जो समझ सकते थे। चलो अब आते हैं डिसएडवांटेजेस नोटबुक क्या है। कभी कभी भाई कोई फॉल्ट फाइंडिंग भी हो जाती है, फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड है ये, सॉरी माई मिस्टेक, फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड। जैसे जो ऑडिट का स्टाफ होता है उसके दिमाग में क्या होता है, ये हो जाता है कि यार मैं तो ऑडिट, मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे आ ही गए हैं, मेरे पास ये पूछताछ मैंने कर ही ली है, तो समझ लो मैंने काम कर दिया है, मैंने सब कुछ ढूंढ ढांड लिया है, मेरा काम पूरा हो गया है, ठीक है? ऐसा नहीं होता, एक दिमाग में आ जाता है कि सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे हो गए, बट नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सी चीज़ें फिर भी रह जाती हैं। ये लोगों को कम समझ में आता है क्योंकि इसका कंटेंट ही इतना है, एक दिमाग में क्या जाता है स्टाफ के कि मुझे इतना ही काम करना है भाई, इससे ज़्यादा नहीं करना, या फिर मेरे पास ये एज अ सबूत है, मुझे इस पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ही नहीं, मेरे पास, मैंने पूछ लिया स्टाफ से
पूछताछ कर लिया, सारी जानकारी ले लिया, डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए, मेरा काम खत्म, तो ऐसा नहीं होता। दूसरा, मिसअंडरस्टैंडिंग। कई बार हम इतना क्या बोलते हैं, जो क्लाइंट ने बोला है और जो मेरी टीम ने समझा है, या फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सेल्स का रजिस्टर दे दे नई एंटिटी का, उसने क्या करा पुरानी एंटिटी का दे दिया, यानी उसने जूते बनाने वाली कंपनी का ही दे दिया, जूते बनाने वाली डिपार्टमेंट का ही सेल्स दे दिया, उसने चप्पल वाला दिया ही नहीं। कई बार कुछ चीज़ें जब हम पूछ रहे होते हैं, पूछताछ कर रहे होते हैं या फिर डॉक्यूमेंट मांग रहे होते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बस इतना ही पॉइंट है इसका। तीसरा, इनप्रॉपर प्रिपरेशन। कई बार नोटबुक आप ढंग से बनाते ही नहीं हो, कभी एक स्टाफ ने कुछ मांग लिया, एक स्टाफ ने कुछ मांग लिया, सिर्फ इतना ही पॉइंट है। लास्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑन सब्सिक्वेंट ऑडिट। अगर आपने ऑडिट नोटबुक यानी सारे डॉक्यूमेंट जो इकट्ठे किए हैं, जो पूछताछ किए हैं, सब कुछ अपने पास रखा हुआ है ऑडिटर से मांग के क्लाइंट से, वो गलत है, तो वो आगे के फ्यूचर में भी गलत ही करवाएगा। ठीक है, यानी आज की गलती कल भी गलती करवाएगी। बस इस पॉइंट में ये लिखा है।